नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है गलवान घाटी में जब चाइनीज चूहे ने आक्रमण किया था तो बिहार के जाबाजों ने जमकर न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि इन चाइनीज चूजों को खदेड़ भगाया था और उसमें कई जाबाजों ने शहादत दी सुप्रीम सेक्रीफाइस अब बिहार के इन सपूतों का बिहार में क्या हाल है उससे जो खबर आई है उससे मन व्यथित हो जाता है कैसी सरकार चल रही है और कैसे कैसे नेता बिहार में पनप रहे हैं जो कभी हिंदुस्तान की सेना को हिजड़ों की फौज बता देते हैं कभी कोई कह देता है कि सेना में तो लोग मरने के लिए ही जाते हैं और अब तो हद ही हो गई कि गलवान घाटी में शहीद होने वाले सिपाही जयकिशोर सिंह के पिता को घसीट घसीट के न सिर्फ पीटा गया बल्कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया और कसूर क्या था उनका कसूर बस इतना ही कि उन्होंने अपने शहीद बेटे के लिए एक स्मारक बनवाया था नीतीश कुमार से रिपोर्ट मांगा गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा और इसके ऊपर राजनीति भी शुरू हो गई है लेकिन बिहार सरकार के नेताओं की बेशर्मी देखिए माफी मांगने के बजाय कुतर्क कर रहे हैं क्या है पूरा मामला ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर लक्ष्मी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है ये क्या हो रहा है बहुत मुझे तो घृणा होती है जब इस तरह की खबरें आती है ये शॉकिंग है निंदनीय है बहुत दर्दनाक है तो इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता और कल सुबह से मैं बहुत पर्टर्ब हूँ कि बिहार में हो हो क्या रहा है देखिए ये जिस तरह से राजकपूर सिंह जी जो पिता हैं वो शहीद के राजकिशोर सिंह जी के सिपाही राजकिशोर सिंह सोलह बिहार रेजिमेंट उसके पिता हैं जिसके जिस तरह उनके साथ व्यवहार हुआ है वो बहुत ही शॉकिंग है अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये राजकिशोर सिंह शहीद हुआ था गलवान में 2020 में ढाई साल से ज्यादा होने जा रहे हैं सरकार बिहार सरकार का क्या ड्यूटी बनता है कि उसको सम्मान करे, उसका स्मृति चिन्ह बनाए मूर्ति बनाए स्थापित करे मैं तो बोलता हूं कि बिहार सरकार को चाहिए कि हमारे बिहार रेजिमेंट ने बिहार को कितना गौरव दिया है आप वर्ल्ड वार वन की बात कीजिए हमारी ब्रिटिश आर्मी के साथ जो लड़े तो दुश्मन एकदम कांपते थे वर्ल्ड वॉर टू कांपते थे फोर्टी सेवन सिक्सटी फाइव सेवेंटी वन नाइनटी नाइन बिहार रेजिमेंट के नाम से लोग कांपते हैं दुश्मन इतना गौरव प्रदान करते हैं बिहार रेजिमेंट और उसके शहीद के पिता के साथ ये व्यवहार अब मैं आता हूं कि दो ढाई साल हो गए तो उसको लगा कि बिहार का सरकार हमारे बेटा का योगदान अल्टीमेट सेक्रीफाइस जो है जीवन का सेक्रीफाइस इससे बड़ा कोई सेक्रीफाइस तो इसे, इसे, इससे कुछ ज्यादा इससे बड़ा हो ही नहीं।, नहीं सकता है उसको जब सरकार रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है तो मैं एज ए बाप मैं बेटे का ये ऋणी हूं कि उसने जान दिया है तो मैं उसके मेमोरी में उसके स्मृति में उसका स्मृति चिन्ह बनाऊंगा तो सरकार कह रही है कि भाई गवर्नमेंट लैंड था अरे भाई गवर्नमेंट लैंड था मान लो मान लेते हैं वहां आप मूर्ति ट्रांसफर कर दो आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो कि आपको घसीट के रात को आते हो और घसीट के ले जाते हो बिहार में शब्द फैटा फैटी करते हो मारते हो गाली गलौज करते हो और खींच के ले जाते हो थाना इसका मतलब है क्या राज कपूर सिंह जी क्या ये थे स्मगलर थे क्रिमिनल थे चोर थे डकैत थे राजद्रोही थे क्या थे, क्या थे वो क्या थे वो क्या आपने इस तरह से पुलिस बिहार पुलिस ने व्यवहार किया एक शहीद का बाप उसका उम्र देखो उसकी उसका सेक्रीफाइस देखो कि बेटे की खाली स्मृति को वो जिंदा रखना चाहता है इसमें क्या हानि है नेशनल वॉर मेमोरियल क्या है दिल्ली में जो हमारे लिए देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी आप ये छोड़ दीजिए आप राजस्थान जाइए हिमाचल जाइए हर व्यक्ति जिसने भी ये तो गलवान जैसे इंपॉर्टेंट बैटल में इन्होंने शहादत दी ऐसे भी किसी की मौत हो जाती है टेरिस्ट अटैक में या कहीं भी सबकी मूर्तियां लगी हुई है मंदिर बने हुए हैं हर जगह स्मारक है सुरेंद्र यादव करीब आज से दो ढाई महीने पहले वक्तव्य देते हैं कि आठ दस साल के बाद भारतीय सेना हिजरों की फौज बन जाएगी तो कुछ नहीं होता और आरजेडी की तरफ से उसका कोई उसकी निंदा को नहीं है वो लोग मजा लेते हैं मजा लेते हैं ये इतने पैथेटिक किस्म आ, के लोग हैं इतना डीह्यूमनाइज हो गए हैं कि इनको जरा सा भी शर्म नहीं आती है बिहार में जो लोग सरकार चला रहे नीतीश कुमार से तो मैंने बिहार की जनता सवाल जवाब करेगी लेकिन ये जो घृणित रवैया लगातार जो सेनानियों का और हर मुद्दे पे जिस हिसाब से पतन हो चुका है बिहार के राजनीतिज्ञों का वो आज से ढाई साल पहले एक पॉलिटिशियन कहता है सेना में तो लोग मरने जाते ही हैं अपनी स्वेच्छा से तो शहीद हो गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई मतलब ऐसे लोग इतने घृणित हैं एक आदमी अपना अल्टीमेट देता है तो आप शबाशी क्या दोगे सम्मान क्या दोगे क्या आप उसका मजाक उड़ाते हो कि तुम अपनी मर्जी से मरने गए हो ये बिहार के लोग इस तरह के लोगों को चुनते ही हैं ये सब ये सब चोरी करने के लिए राजनीति में आते हैं ये चोरी करने के ध्येय से ही राजनीति में है घोटाला करने के लिए वो मंत्री बनते हैं तो आप क्या कीजिएगा अब जब आप वोट करेंगे चारा चोर की पार्टियों को आप वोट करेंगे मर्डरर्स को किडनैपर्स को तो यही तो होगा बिहार में इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता मनीष बिहार की ये स्थिति है उसके मैं थोड़ा भूतकाल में जाता हूँ वो बिहार जिसने देश को चाणक्य दिया बाबू कुंवर सिंह दिया आर्यभट्ट दिया बाबू राजेंद्र प्रसाद पहला फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अशोका द ग्रेट चंद्रगुप्त मौर्य गुरु गोविंद सिंह बुद्ध महावीर दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्रकवि नालंदा यूनिवर्सिटी जयप्रकाश नारायण ऐसे ऐसे जनरल एस के सिन्हा आज भी फौज में जनरल एस के सिन्हा के प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की लोग एकदम शपथ लेके कहते हैं यस आउटस्टैंडिंग जनरल था और इस सबके ऊपर पानी फेर दिया नीतीश और लालू यादव बस मतलब वो जो बिहार था मनीष पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है जब सर्वे हुआ इंडिपेंडेंस के बाद कुछ कुछ महीनों सालों के बाद तो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट था बिहार और बेस्ट चीफ मिनिस्टर थे हमारे बाबू श्री कृष्ण सिंह बेस्ट चीफ मिनिस्टर बेस्ट स्टेट एडमिनिस्ट्रेट स्टेट हिंदुस्तान का और अब देखो वर्स्ट स्टेट और वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेट स्टेट बाकी तो क्या फूल बाकी चोरों की बारात लगी हुई है तो क्या कीजिएगा सबसे बड़ी बात यह है एक प्रश्न जो होता है बहुत बड़ा प्रश्न मैं बोलने जा रहा हूं यदि राज्य और देश सेना के सर्विंग और रिटायर्ड लोगों का परिवार और उनके अभिभावक पेरेंट्स को सुरक्षा नहीं दे सकता है। तो क्या हम हमारा मनोबल इतना ऊंचा रहेगा कि हम देश को सुरक्षा दे पाएंगे ये बहुत बड़ा प्रश्न है वहां तो पुलिस वाले जितने लोग इस कांड में थे अब तक उनको सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए था एकदम एकदम अब मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों आ, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से इनडिफरेंट है हमारी तरफ फौजियों की तरफ उसका कारण बताता मुख बिंदु बताता हूं हम लोग दूर रहते हैं अपने गांव जिला सबसे दूर रहते हैं स्टेट से दूर रहते हैं कहां कहां नौकरी जहां एक कहावत है ना जहां चाहे जहां जाए रवि वहां जाए कवि जहां न जाए रवि वहां जाए फौजी तो हम तो पूरा हिंदुस्तान घूम गए तो जो पकड़ अपने गांव में अपने जिला में होना चाहिए होती नहीं है हम तो विजिटिंग वी, प्रोफेसर की तरह आते हैं चले जाते हैं छुट्टी काट के तो जो नेक्सस है उस गैंग के मेंबर्स नहीं है लूट गैंग के हम सदस्य नहीं है हम पोलिटिशियंस को वोट नहीं दिलवा सकते हमारा वोट मैटर नहीं करता है तो हमारे लिए हम हमारे लिए बदल नहीं करते तुम हो कौन तुम्हारा क्या बिगाड़ लोगे ये एटीट्यूड जो है ना यही हमारे फौजियों का समस्या का जड़ है अब सवाल रहता है, है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था गवर्नमेंट को पहली बात तो है कि ढाई साल पहले आपको जय किशोर सिंह की मूर्ति बनानी चाहिए थी शहीद स्मारक सम्मान देना चाहिए था एक रैली होनी चाहिए थी तो वीरता सम्मान दिवस होना चाहिए बिहार में वन से ईयर सब शहीदों का सम्मान होना चाहिए उस दिन तब ना सेना समझेगी हाँ हमारा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सरकार हमें हमारा सर्विसेज को रिकोगनाइज कर रही है उसके बाद नीतीश जी चुप क्यों बैठे हैं ये सुरेंद्र यादव के स्टेटमेंट पे कुछ नहीं बोले कैसे बोले वो आर के लीडर हैं तो सम्मानित तो माननीय सुरेंद्र यादव जी कहेंगे नीतीश कुमार <laughs> ये तो हालत हो गया इतने कमजोर मैंने कह सकते कि रीड की हड्डी टूटने के बाद नीतीश कुमार का ये जो 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 नजर आ रहा है राजनीति वो बहुत ही शर्मनाक है मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि जयकिशोर के पिताजी को राज कपूर सिंह जी को बुला के पूरा उनका अभिनंदन होना चाहिए था 2020 के बाद जमीन देना चाहिए था स्मृति बनानी चाहिए थे उसके परिवार को नौकरी देना चाहिए था बच्चों को फ्री स्कॉलरशिप देना चाहिए था ये सब करना चाहिए था ये सब कुछ नहीं किए और बेचारे राज कपूर सिंह जी ने मूर्ति बनाया अपने पैसे से तो बस पिटाई शुरू कर दी तो अब मैं कहना चाहता हूँ कि आ, ये मैं एक चीज और बिंदु करना चाहता हूँ कि आ, जो बिहार गवर्नमेंट का जो रोल है वो मैं देख रहा हूँ कि लास्ट तीस सालों में जो बिहार की दुर्गति हुई है और मैं तो सिक्सटी थ्री में थ्री में ही निकल गया था सैन स्कूल तो लेकिन दूर से मैं तो देख रहा हूं पहले सैनिक स्कूल एनडीए डी फिर आए में सेवेंटी टू कमीशन उसके बाद बार 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 लेकिन दूर से तो हम देख रहे हैं तो मुझसे बहुत लोग फौज में अदरवाइज भी पूछते थे सर ये बताइए आप लोग इतने अच्छे हैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ब्रिलियंट है बिहार के लोग इतने ब्यूरोट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आते हैं आई एस आई बिहार क्यों पिछड़ा है सर आप लोग इतने अच्छे हो तो बिहार क्यों पिछड़ा है बहुत बड़ा प्रश्न है तो मैं यही कहता था जातिवाद बिहार जातिवाद के ग्रहण से पूरा तरह से ध्वस्त है कॉम्पिटेंस नहीं जाति बैकग्राउंड पहली बात दूसरा बात है कि जिस बिहार ने जनरल एस के सिन्हा पटना कॉलेज एस के सिन्हा को जन्म दिया ऐसे ऐसे दिग्गज मुस्कुंद दुबे जी को फॉरन सेक्रेटरी बनाया ऐसे ऐसे लोग पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं आज पटना यूनिवर्सिटी की क्या हालत है जब बिहार में कर्पूरी डिवीजन अनाउंस होगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो हमारे बच्चे कहां जाके कंपीट करेंगे IAT में कंपीट करेंगे कर्पूरी डिवीजन के साथ फिर बेरोजगारी तो बढ़, बेरोजगारी बढ़ेगी सेल्फ कॉन्फिडेंस घटेगा इंडस्ट्री नहीं किडनैपिंग तो बिहार में एक इंडस्ट्री है एक्चुअली इंडस्ट्री नहीं है किडनैपिंग इंडस्ट्री है लॉ एंड ऑर्डर टोटली चौपट नीतीश कुमार जी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बिहार शरीफ में आपके नाक के नीचे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया राजद्रोह कर रहा है और कर रहा था क्या किया आपने क्या किया आपने जो आरोप आपने राज कपूर सिंह के ऊपर लगाया है कि भाई आपने जमीन ले ली दूसरे की जमीन थी इलीगल था बिहार में कम से कम दस हजार से ज्यादा इलीगल मस्जिद होंगे दरगाह सड़क पे बन गया होगा सरकारी हाईवे के ऊपर अचानक से कुकुर की तरह कोई दरगाह निकल आता है उस पर बुलडोजर चलाएंगे वहां के मौलवी को पकड़ेंगे या सिर्फ और सिर्फ ये कानून और ये तमाशा देश के के लिए शहीद होने वाले लोगों के परिवार वालों के लिए आप इस तरह का ट्रीटमेंट रखेंगे एक बिंदु और मैं कहना चाहता हूं मनीष सेना को क्या करना चाहिए अब वक्त आ गया है, एक फर्म स्टैंड लेने की जरूरत है पहली बात तो मैं सवेरिया कमांडर जो भी हैं मेजर जनरल साहब उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इशू को उठाइए मुख्यमंत्री जी के साथ उठाया जाए कि ये सही नहीं है ये बर्दाश्त के बाहर की बात है वैसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आज चिट्ठी लिख करके जवाब तलब किया है कि भाई आखिर क्या हुआ रिपोर्ट एक ऐतिहासिक इसमें इंसिडेंट में कोट करना चाहता हूँ बहुत रेलिवेंट है जब प्रताप सिंह कैरो पंजाब के मुख्यमंत्री थे बहुत पावरफुल आदमी बहुत कांग्रेस में तूती बोलती थी उनकी उन आ, इनके मुख्यमंत्री के बेटे समझते हैं कि मैं तो भगवान हूं तो हमारे जूनियर के के वाइफ पत्नी साथ उन किया रेलवे स्टेशन पे आया कमांडिंग को बोला गया कि इस तरह ऐसा हुआ है ट्रुप से इकट्ठे किए गए ट्रक में बैठे और रेलवे स्टेशन गए वहां से पिकअप कर लिया प्रताप सिंह के बेटे को यूनिट लाइन में ले गए प्रताप सिंह के रूप भागा भागा आया उसकी गाड़ी यूनिट के गेट गेट पे ही रोक दिया गया आप नहीं जा सकते यूर सिविलियन नहीं जा सकते आपको जाना तो पैदल जाइए तो बोला मैं मुख्यमंत्री हूँ आप होंगे ये फौज का यूनिट है नहीं जा सकते एक घंटा बैठा के रखा कमांडिंग ऑफिसर ने मिला नहीं फिर आके बोलता है कि आप यू आर ट्राइंग टू इंसल्ट मी मैं मुख्यमंत्री हूँ पंजाब का बोला आप यदि मेरे अफसर की पत्नी को इस तरह से आपका बेटा मिसबिहेव करेगा तो ये तो बहुत कम हुआ है मुख्यमंत्री जी प्रताप सिंह को इतना पावरफुल था प्रधानमंत्री को बोला कि सेना के खिलाफ कार्रवाई करो तो आर्मी चीफ से बोला गया कि डिस्मणी एक्शन लीजिए तो आर्मी चीफ ने जो कहा वो बहुत रेलिवेंट है आज की तारीख में आई कोट इफ आई नॉट एंश्योर सेफ्टी ऑफ माई ऑफिसर्स वाइफ्स हाउ कैन आई एंश्योर सेफ्टी ऑफ द कंट्री मैं अपने ऑफिसर की पत्नियों का इत की सुरक्षा गारंटी नहीं दे सकता प्रोवाइड नहीं कर सकता तो मैं देश को सुरक्षा कैसे दे पाऊंगा मैटर वाज हस्ट अप खेल खत्म उसका प्राइम मिनिस्टर ने कभी नहीं मुंह खोला न चीफ को बोला कि एक्शन लो ये मतलब हम लोग कितना सेक्रीफाइस करते हैं मनीष लोग जानते नहीं हैं परिवार से दूर लोग राज जाड़े में कंबल में उड़ते रहते हैं परिवार के साथ सोते हैं और फौजी बेचारा माइनस फोर्टी में वहां खाना नहीं पसता है ऑक्सीजन की कमी से मैं तो ले में नौकरी किया हूं खाना नहीं पसता है मनीष तुम तो चिकन भी सामने होगा नहीं खा सकते क्योंकि पता है पचेगा नहीं बेटे का बचपन का जो खेल है वो कितना इंटरेस्टिंग होता है देखने में उसके तोतला के बोलना सबसे हम लोग वंचित रह जाते हैं उसके बाद सबसे बड़ी कुर्बानी देते हैं जीवन की कुर्बानी तब ये लोग नौटंकी करते हैं और बकवास करते हैं इनको कुछ नहीं होता है कुछ नहीं होता इनको दर्द इस बात का है आपको बहुत बहुत धन्यवाद बिहार की स्थिति वैसी ही है जैसा हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं लगातार ये महागठबंधन के नेता वहाँ की सरकार वहाँ का सिस्टम शहीदों को का अपमान कर रहा है सेना का अपमान कर रहा है कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा ये आप भी देखिए और हम भी देख रहे हैं आप देखते रहिए कैपिटल टीवी हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद